भाई अर्कवंशी जी, आप ही से बात शुरू करेंगे क्योंकि आपका दर्द बड़ा है, दर्द आपका बड़ा है। आपकी तरफ से बात उठाई गई कि हम 16 लड़े और 6 जीते और रोहित अग्रवाल की पार्टी 38 या कितनी 36 लड़ी और 8 जीती, उनको राज्यसभा मतलब उनको रसमलाई और इधर बूंदी के लड्डू भी नहीं, एमएलसी भी नहीं, ऐसी नाइंसाफी। तो अब स्थिति क्या बन रही है भैया अर्कवंशी जी? देखिए, आपकी बात जो आपने कहा कि अभी बूंदी के लड्डू और रसमलाई, ना हम रसमलाई खाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में है, ना हम रसमलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में सत्ता में रहे। हमारे नेता शोषित वंचित पिछड़े अल्पसंख्यक दलित समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते आए हैं। हाँ, रही बात हमारा, हम गठबंधन के साथी हैं, तो गठबंधन के साथी होने के नाते हमारी भी अपेक्षा थी कि हमारा भी एक व्यक्ति उच्च सदन में जाकर हमारा भी प्रतिनिधित्व वहां पर करे जी। ऐसा नहीं है, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ में रहेगा। आज ही हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आपने देखा कि आप आजमगढ़ के चुनाव में उनका प्रचार करने के लिए गए हुए हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गठबंधन तोड़ने को लगे कि कोई हम लोगों ने गठबंधन तोड़ने की पहल कर दी या गठबंधन तोड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग एक परिवार है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के परिवार के साथी हैं। तो हम अपनी बात, हमारी अपेक्षा है कि हमारा भी एक सदस्य जाना चाहिए था। तो इसमें ये कोई गठबंधन तोड़ने का विषय थोड़ी ना बन गया कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं जी। ठीक, बिल्कुल ठीक बात कही अर्कवंशी जी आपने। बोलने में यही बातें बोली भी जानी चाहिए क्या, लेकिन होता क्या है हमको भी पता है, आपको भी पता है, बाकी तो सब ठीक है। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको पता है। आगे बात, आगे आगे भाई सुनील जी ने कहा कि आपने देखा ही होगा ओम प्रकाश राजभर जी आज वहां आजमगढ़ में थे धर्मेंद्र यादव के प्रचार में। हाँ जी, देखा, हमने बहुत प्रचार देखे। कल एक फोटो आई थी, रमाकांत यादव धर्मेंद्र का हाथ ऐसे उठाए हैं साथ साथ, क्या धर्मेंद्र तो मुस्कुरा रहे हैं और रमाकांत के चेहरे पर ऐसा स्यापा है लग रहा गमी में आए हों। फोटो तो देखी थी हमने, हमको मालूम है दोस्त सियासत कैसी होती है। आज गंगा दशहरा, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बिल्कुल गंगा जल हाथ में लेके बोलने लगो, ऐसा भी संत भाव ठीक नहीं है, थोड़ी तो व्यवहारिकता रखो। और दलित शोषित वंचित की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, जितने यहां बैठे हैं कुछ कोई इस वाक्य से इनकार नहीं करता, सब इसी के दावा करते हैं। लेकिन फिर भी राज्यसभा चाहिए, लोकसभा चाहिए, विधानसभा चाहिए, सब तो खेल तो चाहिए। कुछ ना मिले तो कुछ ना कुछ तो लाओ भाई, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है तो कुछ मूंगफली तो दो, कुछ तो लाओ। नहीं, आदमी हरिद्वार में नहीं जाके आश्रम बना लेता, ये सियासत क्यों करता? रोहित अग्रवाल जी, आपके जो सुनील अर्कवंशी कह रहे हैं, मैं उसी फ्रेज को इस्तेमाल करूंगा, जो बृहत परिवार है समाजवादी कुनवा, जिसमें आप सब लोग शामिल हो भाई बहन के रूप में, तो हालांकि बहन तो अब आती नहीं पल्लवी पटेल, लेकिन खैर जितने भाई हैं वो सब लोग, अब मामला आ गया है कि भाई जयंत चौधरी को राज्यसभा क्यों, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उनकी पार्टी की, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, उसको कुछ नहीं मिला। ये बात पार्टी ने अपने अधिकृत प्रवक्ता से कहलवाई, दाएं बाएं से नहीं, ताकि रजिस्टर हो। तो ये तो मुझे लग रहा है कि मामला फिर कुछ महाभारत जैसा हो रहा है। रोहित जी, अमिताभ जी, देखिए, लोकतंत्र के अंदर बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने जो भी विचार है वो रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे गठबंधन के साथियों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है, वहां तो सिर्फ दो ही लोग बोल सकते हैं और दो ही लोग सुन सकते हैं और दो ही लोग जो चाहते हैं वो कर देते हैं और वही बाकी सबको मानना पड़ता है। तो इसलिए इनको दिक्कत ये होने लगती है कि ये लोग आपस में बोल क्यों रहे। भाई, अगर राजभर जी को कोई दिक्कत है तो ये तो उनकी स्वतः अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो अपनी गठबंधन के साथी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। भाई उन्होंने क्या कहा कि भाई मांगो उससे जो दे दे प्रेम से। तो भाई अखिलेश जी आज देने की हैसियत में है,
और देने की हैसियत में तो कलेजी से ही मांगा जाएगा। और राजभर जी नहीं नहीं रोहित, उन्होंने केवल इतना बोलते, दो लाइन ओम प्रकाश भाई ज्यादा बोल गए, अगर इतना बोलते मांगो उससे जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, बात है कि उनने कह दिया और जो ना कहे किसी से, अब बताओ दे भी और कहे भी ना। आजकल नेता एक मिनट रुको, आज नेता एक केला लेके जाता सिविल अस्पताल, मरीज को एक केला देता, 27 फोटो खिंचवाता अपनी चेलों से, और फिर फेसबुक से लेके गदर काट देता, फल वितरण कार्यक्रम करते हुए माननीय नेताजी, एक केला। तो आप कह रहे हो कि मतलब दे दे खुशी से और ना कहे किसी से, ऐसा कैसे होगा भैया? देखिए ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं, अपने समाज के नेता हैं, तो उनके शब्दों को अब मैं तो नहीं बता सकता कि उनको कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं बोलना चाहिए, ये उनकी स्वतंत्रता है। प्लस एक चीज मैं और कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सत्ता नहीं आई तो इसलिए बिल बिला रहे हैं, क्योंकि वो तो सत्ता छोड़ के आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वो थे तो सत्ता छोड़ के आए थे, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया था, वो तो स्वतः निकल के आए थे। और भारतीय जनता पार्टी तो आज भी चादर बिछा के उनको दरवाजे के आगे खड़ी हुई है कि भैया कब चादर पे पैर रखोगे कि हम पवित्र हो जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए कृष्ण मोहन जी बताएंगे कि भाई क्या है मसला। नहीं नहीं आप ये सब जानते हो, असलियत आप जानते हो, आप इसमें कोई छुपा नहीं है। तो देखिए अगर गठबंधन के साथी अगर एक दूसरे से अगर वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, और लोकतंत्र के अंदर राजनीति के अंदर अगर ये माहौल बन जाए। रोहित बाबू ठीक है, ठीक बात है, मेरे भाई ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति जो उनका प्रेम था उसका मैं बड़ा हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन कई बार ज़्यादा आज़ादी हो जाती है तो वो भी स्यापा खड़ा कर देती है। इस आज़ादी के चक्कर में हम भारत में हाय हत्या झेल रहे हैं ना, देश दुनिया में बवाल मचता है, फिर ज़्यादा आज़ादी अभिव्यक्ति की संकट पैदा करती है। खैर वो विषय अलग है, मैं जावेद अहमद साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा कि रोहित जी ने एक बात और उठाई, उस पर एक टिप्पणी करने का मेरा मन है, बाकी कृष्ण मोहन अपनी बात कहेंगे, लेकिन मेरा मन है ताकि तथ्य सामने रहे। हिंदुस्तान की राजनीति एकल नेतृत्व की राजनीति है, रोहित बाबू हमेशा के लिए गंभीरता समझिएगा, चरण सिंह की चलेगी तो चरण सिंह की चलेगी, अजीत सिंह की चलेगी तो अजीत सिंह की चलेगी, जयंत की चलेगी तो जयंत की चलेगी, ठीक, मुलायम सिंह की चलेगी तो मुलायम सिंह की चलेगी, अखिलेश की चलेगी तो अखिलेश चलेगी, ठीक, बीजू बाबू की चलेगी तो बीजू बाबू की चलेगी, वो नहीं रहेंगे तो नवीन बाबू की चलेगी, एन टी रामाराव की चलेगी तो एन टी रामाराव की चलेगी, वो हार्ट अटैक में गुजर जाएंगे तो चंद्र बाबू की चलेगी, हारे चाहे जीते बर्बाद हो जाए लेकिन चलेगी उन्हीं की, पार्टी बंद हो जाए लेकिन चलेगी उन्हीं की, राजशेखर रेड्डी की चलेगी फिर जगन की चलेगी, एक बार में एक नायक, वो बेटा हो चाहे दूसरा हो, जवाहरलाल जवाहरलाल, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी राजीव गांधी, सोनिया गांधी सोनिया गांधी, उन्हीं की चलेगी ना बाबू। और अब राहुल गांधी के बकेबर का सेवा दल का अध्यक्ष भी अपनी बात झंडा गाड़ेगा, माने नहीं तो बाहर जाए, लोग कह तो रहे कि प्रियंका जी के जो असिस्टेंट वगैरह हैं वो लोग प्रदेश अध्यक्ष फाइनल किए दे रहे हैं, छोटी बात है। तो वहां दो तो रोहित ने ही बता दिया कि भाजपा में दो की चल रही है, क्या रेट मार्केट में तो ये सिंगल हैंड का मामला है, यहां दो तो हैं, यही ठीक है, मार्केट उठा के देख लो, टीएमसी एक, आरजेडीयू एक, आरसीपी को निकाल बाहर कर दिया ना, बोलो ना आरसीपी को हैसियत में लाओ, नीतीश बाबू मतलब नीतीश बाबू, तेजस्वी मतलब तेजस्वी, मैं सब पार्टी गिना दूं भाई, तो ये तो ध्यान रखो, इनके पास दो तो हैं, बाकी मैं तो सिंगल सिंगल है, जैसे बैंक में नहीं होता खाता कौन ऑपरेट करेगा, बोले जी हम ही ऑपरेट करेंगे, मेरी दुकान में ऑपरेटर मैं ऑपरेट करूंगा क्या दूसरा करेगा, जहां दो साइन हो या वो ओम प्रकाश भाई पार्टी में, ओम प्रकाश भाई की ना चलेगी,